मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि कैपेसिटर में जब कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वायर के अंदर जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव करते हैं तो फिर पोटेंशियल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, वायर के अंदर पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं आता, ये हम बता चुके थे लास्ट क्लास में। बैटरी को जब क्रॉस करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो वहां इक्वेशन लिखते समय प्लस V लिखा जाता है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो वहां पे फिर माइनस V लिखा जाता है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अभी तक आपने इन चैप्टर एक्सरसाइज को भी अच्छे से कवर कर लिया होगा, ठीक है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, और जो जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ठीक है, जिसमें से एक दो क्वेश्चन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन उसको एग्जांपल में वो चीज को कवर किया गया है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज के पहले। तो पहले उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो टॉपिक क्या होने वाला है, जैसे कि अभी हमने ये देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो जब इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो जैसे हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे प्लस Q आ गया, इस पे माइनस Q आ गया। अब इन इस चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन होगा तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करना है कि प्लेट के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, या दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, ये चीज अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लो, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही कर लेते हैं या फिर टॉपिक के भी फॉर्म में कर सकते हैं या टॉपिक पे ही लिख लेते हैं। चलो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स acting between two plates of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor, ठीक है, इसको अपने को solve करना है। तो जैसे मान लो parallel plate के ऊपर इसका प्लेट एरिया है a के बराबर, इनके बीच का सेपरेशन है d के बराबर बच्चा, ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज मान लेते हैं प्लस माइनस q अपने को गिवन है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो इसका रीजन मैं बता चुका हूं कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये फोर्स इनके बीच में अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पे D जो है प्लेट सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन, A जो है वो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट, और Q इस समय चार्ज है दोनों प्लेट के ऊपर, कितना चार्ज, तो प्लस Q इधर और माइनस Q इस साइड। अब इन दोनों के ऊपर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इस चार्ज से नेगेटिव प्लेट के चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो ये पता चल जाएगा किसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल प्लेट के बीच में कितना होता है, इस प्लेट के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और इस प्लेट के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि टोटल फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर अपने को फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये जानते हैं हम, चार्ज एक प्लेट का क्यू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि कोई चार्ज खुद के फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर प्लेट के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में से इस प्लेट का कंट्रीब्यूशन है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और इस प्लेट का कंट्रीब्यूशन है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो आप किसी भी प्लेट के ऊपर चाहे आप पॉजिटिव प्लेट के कारण पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स निकालो चाहे नेगेटिव प्लेट पे फोर्स निकालो बच्चा, आपको क्या करना पड़ेगा, कितना फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वाला फील्ड। मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स लगेगा तो वो किसके फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, वो नेगेटिव चार्ज ने जितना फील्ड प्रोड्यूस किया होगा उसके कारण फोर्स लगेगा। अगर आप नेगेटिव प्लेट के ऊपर फोर्स देख रहे हो तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से, किसकी फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो प्रोड्यूस की गई फील्ड होगी उसके कारण फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने को फोर्स निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक प्लेट के कारण अपने को फील्ड निकालना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव प्लेट के ऊपर फोर्स चाहते हो तो आप ये पता करिए पहले कि पॉजिटिव प्लेट के कारण कितना फील्ड है। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख दिया बच्चा क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट हो गया। समझ में आई बात? अब आते हैं, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर चुके हैं इस पॉजिटिव प्लेट के कारण। अब इसके आगे का मैं इधर लिख देता हूं, इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। QE होता है फोर्स, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट के कारण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई वहां से Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट कितना हो गया, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बच्चा फॉर्मूला होता है कि दो प्लेट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज का फॉर्मूला ही है। क्लियर है बात? ठीक, तो यहां पे आपको इस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, आपके इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसको मैं हटाता हूं, इसको पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले एक प्लेट दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर दिया हुआ है, प्लस माइनस क्यू है, ये सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसका एप्लीकेशन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। यहां पे एक प्लेट को एक स्ट्रिंग से ऐसे बांध देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पे पुली के थ्रू एक मास अटैच कर देते हैं, या फिर इसको इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। देखो, एक स्प्रिंग दे दिया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग दे दिया, अब क्या होगा कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि व्हेन प्लेट्स वर अनचार्ज्ड तो उस केस में देन स्प्रिंग वॉज एट इट्स नेचुरल लेंथ, एट इट्स नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पे है। अब यहां पे क्यू चार्ज जब प्लेट पे देते हैं तो फिर क्या होगा कि इस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में थोड़ा सा नजदीक आएंगे, और जब नजदीक आएंगे तो स्प्रिंग जो होगा वो थोड़ा सा इलोंगेट होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज इलोंगेशन इन द स्प्रिंग आफ्टर चार्जिंग द प्लेट। ठीक है, तो व्हाट इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग आफ्टर चार्जिंग ऑफ प्लेट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर डालो जल्दी से।
करना क्या है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व कर ले जाओ। ये दिया हुआ है कि इनके बीच का सेपरेशन डी है, खैर इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये इसका प्लेट का एरिया ए के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी से यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेट के ऊपर हम फोर्स देखें, तो बच्चा ये जो है इस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इस प्लेट का, ये पॉजिटिव वाले प्लेट का मैं डायग्राम बनाऊं, तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इधर की तरफ तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रहा है, और इधर की तरफ फोर्स लगेगा kx जो कि स्प्रिंग का फोर्स रहेगा। अपने नेचुरल लेंथ से x क्या चीज है, अपने नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो यहाँ पे kx की वैल्यू हो जाएगी, अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है, तो एक प्लेट का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे प्लेट के कारण कितना फील्ड मिला, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखने जा रहा हूं q अपॉन a, तो ये हो जाएगा q अपॉन a, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट a इंटू के, तो ये इलोंगेशन इन स्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लियर है बात। अच्छा फिर उसके बाद, फिर चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलिए टॉपिक डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो पहला कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, आसान वाला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे ये रेजिस्टेंस के केस में सीरीज आसान होता है, पैरेलल के केस में, अरे कैपेसिटर के केस में पैरेलल वाला आसान लगेगा आपको। चलिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ही देख लिया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, एक लाइन से कैपेसिटर जो है वो जुड़े हुए। हम तीन का एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक कैपेसिटर हो गया सी वन, एक कैपेसिटर हो गया C2, और ये कैपेसिटर मान लेते हैं C3। इनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1, C2 और C3। अब इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, अभी स्विच को ओपन रख रहे हैं। ये तीनों कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज थे, बैटरी का EMF या पोटेंशियल मान लेते हैं E के बराबर, ठीक है। अब यहां पे देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन आप पहचानोगे कैसे कि दो कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। तो बच्चा अगर दो कैपेसिटर के बीच में कोई तीसरा वायर नहीं निकला हुआ है तो आप उनको मानोगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इन दो कैपेसिटर के बीच में कोई तीसरा वायर नहीं निकला हुआ है, कोई कनेक्शन दूसरा नहीं है, इसका मतलब कि ये सी वन सी टू सीरीज में है। अच्छा सी टू सी थ्री के भी बीच में कोई वायर नहीं निकला है, इसका मतलब ये भी जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे C1, C2, C3 ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि स्विच को जब क्लोज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक। तो देखो तीनों कैपेसिटर शुरू में न्यूट्रल है, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे बैटरी क्या चाहेगा कि ये वाला जो बैटरी, देखो किन किन प्लेट से कनेक्टेड है, बैटरी जो है वो सी वन वाले के पहले प्लेट से और सी थ्री वाले के दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है, क्लियर है बात। तो यहां पे जब आप बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हो इस पूरे सिस्टम को, तो होगा क्या, बैटरी मात्र इसका चार्ज चेंज कर सकता है और इसका चार्ज चेंज कर सकता है, लेकिन बाकी प्लेट के चार्ज जो है वो अपने आप चेंज होंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ये बैटरी जो है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल कनेक्टेड है इस वाले से पहले प्लेट से, इसको ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे कैसे लेके आएगा, ये क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के भेजना शुरू करेगा इस वाले प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के भेजना शुरू किया बच्चा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस वाले प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और साथ में अगर यहां से क्यू चार्ज को यहां भेजा गया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चा प्लस क्यू, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। ये बात समझ में आई यहां तक। अब इसके बाद देखो, ये जो दो प्लेट्स हैं आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट, अब ये प्लस क्यू चार्ज
अपने सामने वाले प्लेट पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस करेगा। याद करो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि कई सारे अगर दो तीन प्लेट इस तरीके से दिया हुआ था तो अगर इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू लेते थे तो यहाँ पे अपने आप क्या आता था, माइनस क्यू इंड्यूस होके, ठीक है। और इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो उसी टाइप से अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसी के ठीक सामने कैसा चार्ज आना चाहिए, माइनस क्यू, ठीक। तो यहां पे इसका मतलब चार्ज आना चाहिए सेकंड वाले प्लेट के ऊपर माइनस क्यू के बराबर। अच्छा ये बताओ, इस प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट शुरू में तो न्यूट्रल थे ना, और बाहरी दुनिया से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों प्लेट किसी दूसरे प्लेट से वायर से नहीं जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इस वाले प्लेट पे ये जो डॉटेड लाइन से मैं घेर रहा हूं, इन दोनों प्लेट का चार्ज अगर शुरू में जीरो है तो बाद में भी कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो देखो, जैसे ही आपने, जैसे ही बैटरी ने क्या किया, इसके ऊपर जैसे ही चार्ज क्रिएट करना शुरू किया, इस वाले प्लेट के ऊपर जैसे ही थोड़ा भी पॉजिटिव चार्ज आया, तुरंत वो पॉजिटिव चार्ज अपने सामने इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज, यहां पे देखो इन दोनों प्लेट न्यूट्रल थे, अगर एक साइड नेगेटिव आया तो दूसरे साइड क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव अपने सामने इंड्यूस करेगा इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव, ये दोनों प्लेट आपस में न्यूट्रल थे तो इधर नेगेटिव आया तो यहां पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो साथ में प्लस क्यू अपने सामने इंड्यूस किया माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू तो इधर चार्ज आया प्लस क्यू, क्योंकि इन दोनों का चार्ज मिलके होना चाहिए जीरो। प्लस क्यू चार्ज फिर इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू आया तो इधर आना चाहिए प्लस क्यू। आप वैसे ही जैसे आपने इस केस में सोचा वैसे ही आप इधर से भी सोच सकते थे। इधर से कैसे सोचते हैं, बैटरी ने इधर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव चार्ज अपने सामने क्या इंड्यूस करेगा प्लेट के ऊपर, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे प्लेट के ऊपर। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बहुत खास बात यहाँ पे उभर के आ रही है, वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होंगे सब पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होती है, ये आप एकदम अच्छे से रट लेना, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं कि यहां पे बताओ पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई सी वन, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 मान लेते हैं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लेते हैं, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई सी वन, V2 की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई सी टू, और V3 की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई सी थ्री के बराबर। ये तीनों आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इक्वल कब होंगे, जब C1, C2, C3 आपस में बराबर होंगे। अगर ये कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो ये बराबर नहीं होंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो बात हो गई इनके चार्जिंग की। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानना चाह रहे हैं इस पूरे सिस्टम का। इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलने का मतलब ये हुआ कि ये तीन कैपेसिटर मिलके जितना काम कर रहे हैं, हम कितने कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगाए कि वो उतना ही काम करे। इसका मतलब ये कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। इसका मतलब ये तीन कैपेसिटर मिलके जितना एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये अकेला कैपेसिटर जो सी है वो अकेले उतनी एनर्जी को स्टोर करे। क्लियर है बात। तो यहां पे हम क्या चाहेंगे कि इस बैटरी ने, बताओ इस पूरे ये तीन कैपेसिटर का जो सेटअप है, इसमें बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, बच्चा कितना चार्ज ट्रांसफर किया, खुद से सोच के, इस पॉजिटिव प्लेट ने अपने में से कितना चार्ज बाहर निकाला है, मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आप देखो ऑप्शन हम मैं दे रहा हूं कि क्या उसने Q चार्ज ट्रांसफर किया है या 3Q चार्ज ट्रांसफर किया है। ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसने इस डायरेक्शन में कितना चार्ज ट्रांसफर किया, प्लस Q या प्लस 3Q, आप सोच समझ के आंसर देना। तीन कैपेसिटर हैं, तीनों चार्ज हैं, पहले तीनों न्यूट्रल थे, तो इसका मतलब इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया होगा, 3Q, गलत, 3Q चार्ज नहीं दिया है। इस बैटरी ने मात्र क्या किया, ये बैटरी का कनेक्शन मात्र इस प्लेट से और इस प्लेट के साथ है, तो ये बैटरी यहां का नेगेटिव चार्ज निकाल के मात्र इधर भेजा, तो बैटरी से इधर की तरफ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब इधर की तरफ कितना आया, पॉजिटिव चार्ज।
तो अगर इधर की तरफ माइनस क्यू गया है तो इधर की तरफ प्लस क्यू गया है, इसका मतलब बैटरी देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज था शुरू में, जीरो। अब बैटरी के कनेक्ट करने के बाद इस पे कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू के बराबर। बाकी ये माइनस क्यू प्लस क्यू जो है वो तो इंड्यूस हुए हैं इस प्लेट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है देखो इनका सम, इस प्लेट और इस प्लेट का सम कितना, जीरो। इस प्लेट और इस प्लेट का सम कितना, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि इस बार बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है, प्लस क्यू के बराबर। तो बच्चा हम चाहते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है कि वो कैपेसिटर, कितने कैपेसिटेंस का हम कैपेसिटर यूज करें, ये तीन कैपेसिटर मिलके जितना एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ये कैपेसिटर अकेले उतनी एनर्जी को स्टोर कर ले। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर प्लस माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। तो हम ये, इस बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है, प्लस क्यू, ठीक है, इधर की तरफ। इसका मतलब इक्विवेलेंट ये तभी कहा जाएगा ना जब जितना यहां पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ उतना ही ये बैटरी भी चार्ज ट्रांसफर करे, ठीक है। आप ये कतई मत समझना कि ये कैपेसिटर तीन मिलके सर ये भी प्लस माइनस क्यू स्टोर कर रहा है, ये भी प्लस माइनस क्यू स्टोर कर रहा है और ये भी प्लस माइनस क्यू स्टोर कर रहा है। इसका मतलब टोटल जो है वो यहाँ पे थ्री क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है और आप तो यहाँ पे क्यू चार्ज ले रहे हो, ऐसा नहीं है। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी इक्वल आनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इस केस में एनर्जी इक्वल आएगा अगर आप यहाँ पे क्यू लोगे तो। या फिर इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझो कि इन तीनों कैपेसिटर के पास एनर्जी कहां से आई, एनर्जी किसने दिया इन तीनों कैपेसिटर को, इस बैटरी ने दिया। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया होगा, क्यू चार्ज ट्रांसफर किया बैटरी और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई, ठीक है। इसका मतलब ये टेढ़ा वाला ई जो होता है ना, ये बैटरी के ईएमएफ के लिए यूज किया जाता है, चाहो तो आप इसको वी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बैटरी ने टोटल चार्ज क्यू ट्रांसफर किया तो बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर। उसी तरीके से आप क्या चाहोगे कि ये सेटअप भी बैटरी से उतना ही काम करवा ले, उतना ही वर्क करवा ले, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए, क्यू के बराबर। तो बैटरी कितना वर्क डन करेगा, क्यू इंटू ई के बराबर, क्लियर है। ये बात अलग है कि पूरा का पूरा ये जितना वर्क करेगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटर में एनर्जी बन के स्टोर नहीं होता। वो जो होता है एनर्जी वो मात्र आप देखोगे कि अगर यहाँ पे क्यू ई है, ठीक है, तो उसका कुछ ही पोर्शन कितना जाएगा ये हम देखेंगे बाद में, उसका कुछ ही पोर्शन इस कैपेसिटर के अंदर जाता है, बाकी इस कनेक्टिंग वायर्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसमें हीट डिसिपेशन में चला जाता है। क्लियर है बात, ठीक। तो चलो, तो ये इसका, ये तीन कैपेसिटर अलग अलग हो गए, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इक्विवेलेंट का मतलब ये तीन कैपेसिटर हटा के हमने मात्र एक कैपेसिटर सिंगल यूज किया, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये एक बार डायग्राम दोनों बना लो और फिर उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको लिखिए। हो गया दोनों डायग्राम, स्क्रीन को पॉज करो, दोनों डायग्राम बना लीजिए, लिखिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, फुल स्टॉप। दिस चार्ज इज ऑल्सो इक्वल टू द चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। अब उसके बाद लाइन चेंज करके एक लाइन और लिख लो, उसका मतलब अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम SUM, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ कॉम्बिनेशन, across terminal of the combination
इसका क्या मतलब है ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो तो ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। अब जरा देखते हैं, यहां पे जगह की कमी है इसलिए ऊपर की चीज हटा के मैं यहीं पे इक्वेशन लिखता हूं। देखो अगर मान लो इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं, इस पॉइंट को ए मान लिया और यहीं पे मैं सर्किट में सर्किट का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिए कि क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले ये कैसे इक्वेशन को लिखते हैं ये लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, अगर नहीं सीखे हो तो फिर से एक बार हम सीखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। यहां पे तो एकदम से सीख लीजिए, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये आपको बहुत मदद करने वाला, और यही तो है पूरा कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ्स लॉ, जिसको अभी हम बिना नाम लिए, मतलब किरचॉफ्स लॉ नाम ले रहा हूं लेकिन उसको लिखवा नहीं रहा हूं और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे VA A पॉइंट से चलना शुरू किया, तो VA लिखा। अब इसके बाद फिर वायर में चल रहे हैं, तो वायर में क्योंकि ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो इस वजह से वायर में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे जब प्लेट में आ पाए तो प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जा रहे हैं, बताओ पोटेंशियल घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, बस इतना घटना या बढ़ना। तो भाई घटेगा क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर ऐसे सोचो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल घटेगा। अच्छा अब बात आते हैं कितने से घटेगा, तो कितने से घटा, क्यू बाई सी वन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पे वी ए माइनस क्यू बाई सी वन करेंगे। ठीक, अच्छा फिर इस वायर से चलते चलते यहां पे गए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया, मतलब यहां से यहां तक, क्योंकि वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, लेकिन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए प्लेट को जब क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा बच्चा। ठीक है, तो इस वजह से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो माइनस क्यू बाई सी टू। फिर यहां का पोटेंशियल, उसी तरीके से इस वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां का पोटेंशियल लिखें तो माइनस क्यू बाई सी थ्री, और फिर यहां से घूमते हुए यहां पे आ गए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, बताओ पोटेंशियल घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, तो इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से मूव करते हुए पॉइंट ए तक आ गए, तो ये हो गया वी ए, इसको लिख दिया पूरा। भाई वी ए से चलना शुरू किए थे, घूमते फिरते वापस ए तक पहुंच गए, तो इसलिए इक्वल टू वी ए लिख दिया। ठीक, अब देखो वी ए से वी ए साफ हो गया, E इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री। अच्छा Q बाई सी वन क्या था, Q बाई सी वन था V1 के बराबर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, Q बाई सी टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, Q बाई सी थ्री पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो E है वो बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो लास्ट लाइन जो मैंने लिखा है, ठीक है, कि पोटेंशियल सम, एल्जेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये बराबर किसके होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। क्लियर है बात ये चीज। ठीक है, तो ये यहां से प्रूफ हो गया। अब ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चा। ठीक है, अब इसी पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं, तो इसको पूरा लिख चुके हो गए आप यहां तक, E इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तक। अब उसके बाद देखो कि आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे E की जगह फॉर इक्विवेलेंट सर्किट बात करें, तो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या लिखना चाहिए इक्वेशन, तो Q बाई सी जो होगा वो E के बराबर होगा, ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर Q, कैपेसिटेंस है C, तो ये Q बाई सी E के बराबर है। और फाइनली आप क्या करोगे, E की जगह देखो फर्स्ट और सेकेंड को मैं यूज करने जा रहा हूं, Q बाई E की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी, तो ये हो जाएगा फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, यहां पे Q अपॉन C इज इक्वल टू Q बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री।
ठीक है, यहां से क्यू क्यू साफ हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3। ये बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो कि इसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते हैं, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी 1, 1 बाई सी 2, 1 बाई सी 3, 1 बाई सी 4, ऐसे डॉट 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 1 बाई सी एन, सबका एडिशन। क्लियर है बात? तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का केस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर के बीच में कोई तीसरा तार ना निकले, ठीक है, बस उनको कनेक्ट करने वाला तार रहे। अब उसके बाद फिर दूसरी खास बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पे सेम होगा, और जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उस पे भी चार्ज उतना ही होगा, ठीक है। तो इतने चीजों को आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसका कुछ एप्लीकेशन नहीं, फिर भी कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं जिनको आप याद रखोगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे आपको ऐसे दिया जाता है कि एक कैपेसिटर जो है C1 है और एक कैपेसिटर C2 है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2। तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व करके देखो, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। दूसरी बात कि अगर तीन कैपेसिटर है तो तीन कैपेसिटर 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3। अगर इसको आप लिखते हो कि C इज इक्वल टू C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर आप ऐसे लिखते हो इसको, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, आप एडिशन सिंपल है, लेकिन बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बार जरूर आप ध्यान से देख लेना कि ये चीज नहीं आएगा। एक्चुअल में जो सी इक्वलेंट आएगा वो आएगा C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। देख लेना इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो तीन का कॉम्बिनेशन ऐसे ही आएगा, ठीक। तो ये कुछ मतलब कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो फिर इसका इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें और बता दूं मैं, जैसे कि अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको आप कहीं कॉर्नर में कॉपी पे लिख लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा जो अभी बताने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि एक दो कैपेसिटर इस तरीके से दिए हुए हैं, 6 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, ठीक है। तो सी इक्वेलेंट कितना आया, तो अगर सी इक्वेलेंट देखा जाए तो इसका सी इक्वेलेंट हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, इसका मतलब 18/9, इसका मतलब 2 माइक्रोफराड। तो 6 × 3 = 2 आया, ठीक। अब उसके बाद अगर इन दोनों को हम 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12 माइक्रोफराड और ये 6 माइक्रोफराड। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेलेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेलेंट भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखना, जो भी हम सर्किट के क्वेश्चन करेंगे यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिनमें मैक्सिमम डाटा जो सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा वो 6 3 के मल्टीपल में ही होगा। इसीलिए मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं कि 6 3 वाले केस को आप याद रखोगे। क्लियर है बात? तो यहां पे तो इस चीज का अगर आप देखो, अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है 6 3, 6 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 माइक्रोफराड के बराबर। यहां पे सी इक्विवेलेंट मैं लिख रहा हूं, ये C1 ये C2, ठीक है। अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है, अगर मान लो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 माइक्रोफराड। अगर इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई करके 18 माइक्रोफराड और फिर यहां पे 9 माइक्रोफराड, तो ये आएगा 6 माइक्रोफराड, मतलब कि ये रिजल्ट भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप याद रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अपना सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के
पैरेलल और सीरीज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा एक खास बात और कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1/C = 1/C1 + 1/C2 इस तरीके से n तक गया हुआ है। अगर मान लो सारे कैपेसिटर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और सारे इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1/C equivalent जो आएगा वो किसके बराबर है, n/C के ना। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और सारे इक्वल है तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/N। ठीक, तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो n टाइम्स डिक्रीज कर गया। अच्छा यहां पे देखा था 6-3 का इक्विवेलेंट कितना है, 2 के बराबर। इसका मतलब ये जो 2 है वो 6 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा ध्यान रखना कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो दोनों C1 C2 दोनों से ही छोटा होता है, या फिर आप जो भी n नंबर ऑफ कैपेसिटर लिखोगे, ठीक है, उन सबसे छोटा ही, मतलब कि उन सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर से C इक्विवेलेंट छोटा ही आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो चलो अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें, दिस इज अ टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन का सेकंड है, पहला सीरीज दूसरा पैरेलल। इसमें देखो क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में, जैसे अभी तक हमने सीरीज में क्या देखा था, एक कैपेसिटर के पास दूसरा कैपेसिटर, यहां पे क्या है कि दो पॉइंट के बीच में ही अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दो पॉइंट था इनके बीच में एक कैपेसिटर ये जुड़ गया, ठीक है, ये दो पॉइंट हम ले रहे हैं, इन्हीं के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर भी जुड़ गया ऐसे, फिर उसके बाद इन्हीं के बीच में एक तीसरा कैपेसिटर भी जुड़ गया इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट ए है ये बी है, आप देखोगे कि ये जो C1 C2 और C3 ये तीनों कैपेसिटर जो हैं, क्या हम कह सकते हैं कि इनको ए और बी के बीच में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बैटरी का अगर EMF ई हम मान लें, ठीक, तो क्या होगा कि C1 C2 C3 इनको तीनों का पोटेंशियल आप देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर ये पॉइंट बी है तो आप देखो C1 भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, C2 भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है और C3 भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कैपेसिटर को हम बोलेंगे कि ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि अगर हम C1 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या C1 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB होगा, मतलब देखो वायर में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल आ ही नहीं रहा, मतलब जो भी A से लेके B तक का पोटेंशियल डिफरेंस है वही C1 को मिल रहा है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस C2 को मिल रहा है और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही C3 को भी मिल रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर रहेंगे उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम था, वहां पे चार्ज सेम था, समझ में आई बात, ठीक। अच्छा Q = C × V होता है ना, तो अगर तीनों को सेम पोटेंशियल मिला, तो तीनों को बच्चा सेम पोटेंशियल मिला तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तीनों का और कैपेसिटेंस अलग अलग है अगर, तो चार्ज भी अलग अलग होगा, ठीक है। अगर तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है तो चार्ज भी तीनों पे इक्वल होगा, ठीक। तो वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा चार्ज सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल 100% सेम होगा। चार्ज इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस इक्वल है कि नहीं है, लेकिन कुछ भी भले 1 माइक्रोफराड का ये हो, ये 100 माइक्रोफराड को, ये 1000 माइक्रोफराड को, लेकिन तो भी तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे बात करें तो ये तीन कैपेसिटर इक्वल पोटेंशियल पे हैं। अच्छा ये बैटरी जो है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, इन तीन प्लेट से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, वो इन तीन प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी क्या करेगा, इधर से तीन प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इधर के तीन प्लेट पे भेजेगा, ठीक है, ताकि इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो सके, ठीक। तो इसके ऊपर मान लेते हैं प्लस माइनस Q1 चार्ज, क्यों Q1 Q2 मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से Q = CV है, तो V तो सब में सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग, ठीक है, तो इस वजह से चार्ज भी अलग अलग आएगा।
तो यहां पे Q2 मान लेते हैं, यहां पे प्लस माइनस Q3 मान लेते हैं। ये प्लस माइनस Q1 लिखने का क्या मतलब हुआ, इसके ऊपर प्लस Q1 है, इसके ऊपर माइनस Q1 है, इस पे प्लस Q2, इसके ऊपर माइनस Q2, इस पे प्लस Q3, इसके ऊपर माइनस Q3, इक्वल एंड अपोजिट ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब इनके इक्वलेंट डायग्राम पे आते हैं, तो इक्वलेंट सर्किट किसको बोलेंगे। अच्छा बताओ यहां पे बैटरी ने टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर किया, तो यहां पे बच्चा बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, यहां पे इसने प्लस Q1 ट्रांसफर किया, यहां से निकाला और यहां से निकाल के इधर प्लस Q1 भेजा, उसके अलावा प्लस Q2 भेजा और उसके अलावा प्लस Q3 भेजा, मतलब यहां पे चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी अगर देखा जाए, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी ये कितना हो जाएगा, तो चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये कि कितना कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर रख दो कि आपको उतना बैटरी जो है वो उतना ही चार्ज ट्रांसफर करे। तो बैटरी है ई वोल्ट का, तो बैटरी ने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर किया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इसके ऊपर प्लस माइनस Q मान ले और ये Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। देखो आप इक्विवेलेंट का ऐसे भी मतलब समझ सकते हो, अगर मान लो कि इस तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, बैटरी बाहर है और यहां पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं जो कि चार्ज नाप रहा है, ठीक है, चार्ज नाप के आपको मेजर कर रहा है। अब बॉक्स के अंदर आपको नहीं पता है कि कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर रखा हुआ है और कितने कैपेसिटर हैं, आपको बस ये बैटरी का वोल्टेज पता है और साथ में ये जो डिवाइस लगी हुई है वो ये बता सकता है कि बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, ठीक। अब हम आपसे पूछें कि ये बताओ कि ये अंदर कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली वही सेम चीज है यहां पे कि आपको इन तीनों का ऐसा इक्विवेलेंट बताना है जो कि सेम बैटरी के अक्रॉस अगर कनेक्टेड हो तो वो भी उतना ही चार्ज ट्रांसफर करवाए बैटरी से, ठीक है। और हम देखेंगे कि ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर उतना ही करवाए बैटरी से, इस केस में क्या होगा कि इन ये तीन कैपेसिटर मिलके जितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ना बच्चा, उतनी ही एनर्जी ये अकेले कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। वही सीरीज वाले केस में हम देखते हैं तो वो तीन कैपेसिटर मिलकर जितनी एनर्जी स्टोर कर रहे थे वो इक्विवेलेंट वाला अकेले उतनी एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक। तो जरा जल्दी से इसके बारे में लिख डालो, ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, ये भी लिख डालो, उसके बाद फिर हम बोलते हैं वो स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिए, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल कॉम्बिनेशन। मतलब जितना वोल्टेज आप ए और बी के क्रॉस लगा रहे हो उतना ही तो इन सबको मिलेगा, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल कॉम्बिनेशन, एंड दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, एंड दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इनको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला उतना ही तो इसको भी मिल रहा है ना, तो इक्विवेलेंट वाले को भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इक्वल टू, and this potential is equal to potential difference of equivalent capacitor, ठीक है। तो यहां पे देखो charge transferred by battery जो हो गया वो हो गया Q1 plus Q2 plus Q3, तो इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं और यहीं पे आगे सॉल्व करता हूं। तो देखो बच्चा है क्या कि ये जो Q1 plus Q2 plus Q3 है, क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं कि Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, इतना लिख सकते हैं ना, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके अलावा ये जो तीन कैपेसिटर थे इनके ऊपर Q1 की जगह कितना लिख सकते हैं, C1 into V, मतलब A और B के बीच में कनेक्टेड थे ना, तो C इज इक्वल टू C1 into V और V कितना था, बैटरी का पोटेंशियल कितना, E के बराबर हमने माना है। अच्छा फिर उसके बाद Q2 की बात करें तो Q2 को कितना लिखेंगे, C2 into E, और Q3 को कितना लिखेंगे, C3 into E के बराबर, ठीक है। और इनकी वैल्यू उठा के इसमें पुट, अच्छा फॉर इक्विवेलेंट सर्किट उसके लिए क्या इक्वेशन लिखना चाहिए,
कि क्यू चार्ज गया है, कैपेसिटेंस सी है और बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर, तो क्यू को लिखना चाहिए सी इंटू ई। तो इसको जरा पुट कर दीजिए इन सब की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सी अपने पास इक्विवेलेंट वाले सर्किट को टू मान लेते हैं। अब जरा वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा क्यू की जगह रखा हमने सी ई, क्यू वन की जगह सी वन ई प्लस सी टू ई प्लस सी थ्री ई, ये सबका Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रख दी। E से E चला जाएगा, बचेगा कितना C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कुछ वैसा ही आया है जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के केस में आता, क्लियर है बात, ठीक। तो ये आप देखोगे, इसमें खास बात कि अगर मान लो कि C1, C2, C3 ये सारे इक्वल होते हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते हैं, तो इक्वलेंट कितना आता है n टाइम्स C के बराबर, ठीक है। दो का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दो कैपेसिटर का, तो जो इक्विवेलेंट आता है वो C1 से भी ज्यादा होता है, C2 से भी ज्यादा होता है। तीन का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो जो इक्विवेलेंट होगा C1, C2, C3 तीनों से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो बच्चा यहाँ पे आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लिया, इसके प्रूफ आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और ये जो खास बात हमने बताया ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, वो चार्ज बराबर रहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बराबर, चार्ज के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सब पे सेम रहेगा और वो पोटेंशियल बराबर रहेगा इक्विवेलेंट के पोटेंशियल के बराबर। इस चीज को याद रखिएगा, आने वाले पूरे जो कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स होंगे सब में मात्र इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, अगले क्लास में आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना हम सिखाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।